लोग इस बार झारखंड में क्या चाहते हैं? बीजेपी बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी क्यों चाहते हैं? एनडीए गठबंधन चाहिए हम लोग को, एनडीए गठबंधन सरकार चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। हमारे सामने हमारे 20 किलोमीटर के एरिया में 10 को खदान है, एक को खदान में लोडर ऑपरेटर का हमारा आदि इलाज तक हेमंत सोरेन। हम बाहर में जाकर काम करिए, बंगाल में, बम्बई में, दिल्ली में जाकर काम करवा लोगों ने। खदान है नहीं, यहाँ खदान है तो तुम क्यों गया उधर? इस बार यशोदा देवी का जादू चलेगा, इस बार आंसू और कमल खिलेगा। हम डुमरी विधानसभा में मौजूद है और आज यहाँ पे यशोदा देवी के लिए, आंसू पार्टी से जो यशोदा देवी खड़ी हुई हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए उनके प्रचार प्रसार में आए हुए हैं अमित शाह जी, और आंसू के सुप्रीमो भी यहाँ पे आए हुए हैं सुदेश महतो जी। यहाँ की अगर हम बात करें डुमरी विधानसभा की, तो ये JMM का गढ़ माना जाता है, और इस बार जो है कि यहाँ से एक और प्रत्याशी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जयराम महतो जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार समझिए कि त्रिकोणीय मुकाबला डुमरी विधानसभा में है, और इस बार समझिए कि कांटे की टक्कर का मुकाबला यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार लगातार दो बार से यशोदा देवी चुनाव हारते आ रही हैं, और ये तीसरा बार जो है कि ये चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार एक प्लस पॉइंट ये है कि पिछले बार के विधानसभा में जब चुनाव लड़ी हुई थी यशोदा देवी, तो आंसू और बीजेपी अलग अलग होकर के चुनाव लड़े थे, और इस विधानसभा में आंसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार का कुछ समीकरण अलग हो सकता है। और वहीं अगर बात करें तो जयराम महतो जी जो JLKM से लड़ रहे हैं, जो काफ़ी युवा पसंद करते हैं, आइए लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मन बना रखे हैं। आइए बात करते हैं, इधर आइए बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या इस बार लगता है डुमरी विधानसभा में आप लोग किसको साथ दे रहे हैं इस बार? केला छाप यशोदा देवी जी को इस बार चाहिए? जी 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 ठीक है। इस बार किसकी सरकार? मोदी का सरकार। चलिए आइए इधर बात करते हैं, युवा लोग से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है या फिर से JMM की ही जीत होगी? परिवर्तन होगा इस बार। अच्छा, परिवर्तन आप लोग क्यों करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, आदमी खुश नहीं है उस सरकार से, इसलिए सरकार बदलना है। क्या लगता है बीजेपी की जब सरकार बनेगी तो मिलेगा रोजगार? रोजगार जरूर मिलेगा। और इस डुमरी विधानसभा में यशोदा देवी जी जीत पाएंगे इस बार? जरूर जीतेगी इस बार, क्योंकि ये JMM का गढ़ माना जाता है। अब की बार बदलाव होगा। बदलाव क्यों करना चाहते हैं सर जी? राज्य की 20 साल सरकार जो की है उसका अभी परिणाम निकलने वाला है। इस बार हर हाल में बदलाव होगा, और इस बार आंसू और कमल खिलेगा। तो डुमरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से जयराम महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, बेबी देवी जी लड़ रही हैं, तो यहाँ पे कैंची तीर धनुष नहीं चलेगा, केला ही चलेगा। जी सर, बहुत प्रयत्नशील है और बहुत प्रयासशील है माननीय यशोदा देवी जी। इस बार यशोदा देवी का जादू चलेगा, यानी कि वो चुनाव लगातार हारते आई है, हारने के बाद हारी नहीं है, जनता के बीच रही है। हम लोग का ही गलती है जो थोड़ा मोड़ा के चलती, थोड़ा सा सपोर्ट और मिल जाएगा, हर हाल में वो जीत जाएगी इस बार। हर हाल पिछले बार तो अलग अलग लड़े थे, लेकिन इस बार आज तो और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इससे हो सकता है कि फायदा हर हाल में यशोदा देवी निकल रही है। जी सर। क्या दादा क्या कह रहे थे, उधर देख के बात कीजिए, कैमरा तरफ देख के बात कीजिए। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे इस बार? अभी हेमंत सरकार हाँ, यहाँ अमित शाह के कार्यक्रम में आके आप हेमंत थोड़े नहीं अगर काम लगे करे के हाँ, हमने के काम लगे करे के हम नहीं कह ले रहो देवे ला हेमंत सोरेन नहीं दे लो, ये कारखाने में सब बेच दिल गए। कहाँ से बेच दिल गए? बेरमोद ने गोटे गोटे बेच दिल। एको नाम बताओ हेमंत सरकार कहाँ बेचा, एको नाम बताइए थोड़ा, आप एक भी नाम बता दीजिए कौन का ये लोग बोल रहे हैं, बताइए एक भी नाम बताइए। नाम पिछड़ी में जाके बेचा है। देखिए हाँ बोलिए, कहाँ पिछड़ी में? कौन कारखाना, नाम बताइए कौन कारखाना पिछड़ी में? अरे गाड़ी उड़ी बनाता था वहाँ, 50-60 आदमी काम करता था। कारखाना बेचेगा वो नहीं समझेगा, बड़ा बड़ा भी बेचा है। अरे हमको दादा ये बताओ, हेमंत सोरेन नौकरी हेमंत सोरेन दिल गई? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया कुछ नहीं दिया, नौकरी भी नहीं हेमंत सोरेन दिए। कहा लोन की नौकरी देते, खदवे न खाए तो खदवे न खाए, वो तो बोले थे नौकरी नहीं दे पा। राज में बेचे वाला ही लगे,
पाँच साल ओकर राज में हल तो कहन बढ़ल गहू आदमी नौकरी कहन दल सुन हम चलब लोडर ठीक है हमारे सामने हमारे 20 किलोमीटर के एरिया में 10 गो खदान है एगो खदान में लोडर ऑपरेटर काम हमारा आदि इलाज तक हेमंत सोरेन हम बाहर में जाकर काम करिए बंगाल में बम्बई में दिल्ली में जाकर काम खदान है नहीं यहाँ खदान है तो तुम क्यों गया उधर नौकरी नहीं मिल रहा है हेमंत सोरेन थोड़ा तो सरकार तो अभी कर रहा है सरकार झारखंड में तो झारखंड के सरकार लगे नहीं घर के मुखिया ही लगा हेमंत सोरेन घर के मुखिया हेमंत सोरेन लगा ठीक है आप लोग इस बार झारखंड में क्या चाहते हैं बीजेपी बीजेपी चाहते हैं बीजेपी क्यों चाहते हैं एनडीए गठबंधन चाहिए हम लोग को एनडीए गठबंधन सरकार चाहिए हम लोग को नौकरी चाहिए युवा लोग को नौकरी चाहिए बस यही उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन का सरकार बने बस ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा जा रहा है कहा नहीं बल्कि दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना का लाभ बबुआ आवास बिजली बिल माफ किसानों का ऋण माफ फिर भी देखिए देखिए उसका मेन मुद्दा कारण क्या सुनिए वो जब फंस गया मामला में जेल चला गया जेल से निकला तो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बोला पब्लिक कैसे लुभाया जाए इसके लिए मैया सम्मान योजना 3 महीना देने के लिए लागू किया और दे करके सोच रहा कि फिर से हम सरकार बन जाए चुनावी जुमला जी चुनावी जुमला है और कोई इसमें मामला नहीं है जैसे कि झारखंड में खासकर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा जी तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं सभा कर रहे हैं अमित शाह जी अब बहुत बड़े मोदी जी भी आ रहे हैं तो जीएमएम योगी भी जी आए हैं आज खुसरो में योगी जी भी आए योगी भी जी आए खासकर जीएमएम के लोग कह रहे हैं कि डरी हुई है बीजेपी तभी आना कोई डरी हुई नहीं है उसका बोलबाला है भारत का प्रधानमंत्री मेरा बीजेपी का प्रधानमंत्री है वो कहीं भी जाकर प्रचार कर सकता है उसको कोई रोक टोक नहीं है वो अपना प्रचार कहीं भी कर सकता है पूरा विश्व में जा रहा है वो इंडिया का बात छोड़िए विश्व में भी जा रहा है प्रचार के लिए दूसरा का समर्थन नौकरी नहीं मिला झारखंड में प्रधानमंत्री इसी कारण तो हर जगह राज्य हर राज्य देख रहा है हम लोग का सेवा कर रहा है हम लोग के प्रधानमंत्री बस यही चाहते हैं कि हम लोग का प्रधानमंत्री जो कि हर राज्य में सेवा करे आने वाली है एकदम आने वाली है भारी मतों से जिंदाबाद सारा इंडिया पैसा कहाँ दे रहा है तो बीजेपी का तो बीजेपी जीतेगी सरकार बनेगी तो सारा इंडिया का पैसा तो वापस हो जाएगा मिल जाएगा वापस हो जाएगा मिलेगा मिलेगा दादा क्या कहेंगे अभी बीजेपी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जैसे ही सरकार बनती है सहारा इंडिया में जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन लोगों को दिलाने का काम करेंगे तो लगता है मिलेगा मिलेगा सरकार काम कर रही है इसमें हेमंत सोरेन के कार्यकाल से खुश है कि नहीं खुश नहीं है खुश है दादा जोहार जोहार क्या कहेंगे इस बार क्या झारखंड में एनडीए की सरकार एनडीए की सरकार डुमरी में यशोदा देवी की सरकार यशोदा देवी की सरकार एकदम विधायक ये तो दादा जेएमएम के गढ़ माना जाता है तो क्या उसी गढ़ में सेंध मार देना है सेंध मार देना एकदम सेंध मार देना है जयराम भी खड़े हैं तो खड़े तो उनको भी सेंध मार देना है उनको भी सेंध मार देना एकदम पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं एकदम क्या फिर भी सेंध मार देना है तो इस बार यानी कि आप लोग मन बना लिए हैं कि डुमरी में यशोदा देवी ही एकदम एकदम पक्का कैंची और तीर धनुष नहीं चल रहे ओनली फल और फूल फल फूल हम ये कहना चाहते हैं अगर मान लीजिए एक मिनट जयराम महतो एक सीट जीत जाएगा तो फिर किस में जाएगा वो एक सीट अगर जीत भी जाता तो जाएगा किस में जाएगा हेलो अगर जयराम महतो अगर यहाँ से जीत भी जाएगा ना वो जाके जेएमएम से ही मिलेगा या बीजेपी से ही मिलेगा उसको जितना या ना जितना कोई मुमकिन नहीं है कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है जयराम को जीत के भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे वो टुंडी में नहीं कुछ कर सकता तो डुमरी में आके क्या करे इसलिए आप लोग चाहते हैं यहाँ से एनडीए प्रत्याशी श्रीमती यशोदा देवी यहाँ से भूल मोहम्मद से जीत रही है